प्यारे बच्चे, अपनी देखभाल करना अनुचित नहीं है। अगर आप जो भी चाहते हो उसे अनदेखा करते हो तो आप तनाव रहित हो जाते हो। यदि आप अपनी भलाई को प्रथम नहीं करते और दूसरों को हाँ कहने के लिए स्वयं को ना कहते हैं, यदि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार नहीं चलते तो आपका दिल, दिमाग और शरीर आपको स्वयं पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देगा। वे चीख चीख कर आपको यह महसूस करने पर मजबूर कर देंगे जब तक कि आप यह नहीं जान जाते कि आप स्वयं कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं तो और कुछ जीवन में मायने नहीं रखता। महादेव कहते हैं कि मेरा बच्चा ये अच्छी तरह जानता है, समझता है कि आप में से कुछ के लिए ये यात्रा अभी मुश्किल है। एक शानदार समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि आपको सच्ची मेहनत और लगन की आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए। मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारना। कठिन लगे तब भी आगे की ओर बढ़ते रहना। जब कभी आपको लगे कि आप चार कदम आगे और दो कदम पीछे की ओर जा रहे हो, तब भी आप अपने भाग्य के नज़दीक पहुंच रहे हो। अपनी यात्रा को लगातार बनाए रखें, छोटे छोटे कदम रखें, लेकिन लगातार चलते रहें, रुके नहीं। आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है, और जब आप अपने लक्ष्य को पाते हैं तो वह अनुभव शानदार होगा। यह आपकी मेहनत और लगन के प्रयास के लायक होगा। ठोकर खाकर गिरना ठीक है, बस रुको मत, फिर से उठो और चलो। आप स्वयं को दूसरों के विश्वासों और भयों द्वारा सीमित ना होने दें। आत्मा पर लगाए गए बाधाओं की सीमा से परे हो जाओ। अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रति जागृत रहें। अपने स्थानों, भागीदारों को बुद्धिमानी से चुनें। नीटर होकर आगे बढ़ें। अपने लिए बोलें। हमेशा अपनी सच्चाई का सम्मान करें। अब ये समय पीछे हटने का नहीं है। आप जो भी कहते हैं इसका मतलब है आप उस पर डटे रहें। विश्वास रखें, महादेव सब कुछ क्रम में कर रहे हैं। वह आपको आपके जीवन की बहुत बड़ी वापसी के लिए तैयार कर रहा है। सुनहरे अवसर आपके द्वार पर हैं। आपका जीवन बदलने वाला है। आपके रिश्ते मजबूत बनने वाले हैं। अगर विश्वास है महादेव पर तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।